धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक और आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। और अब रुक करते हैं जिले की तमाम छोटी और बड़ी खबरों की ओर। भारतीय संस्कृति में काफी पुराने समय से खुशी के मौके पर नेक देने की परंपरा चली आ रही है और समय के साथ साथ यह परंपरा एक धंधा बन चुकी है और अब नेक देने के नाम पर अवैध वसूली भी की जा रही है। और अवैध वसूली का ऐसा ही एक मामला सामने आया है धौलपुर जिले के सैपो कस्बे से, जहां पर एक अस्पताल में प्रसूता के परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ को मुंह मांगा नेक नहीं दिया, जिसकी वजह से नर्सिंग स्टाफ ने नवजात की अच्छे से देखभाल नहीं की और इसी लापरवाही की वजह से उस नवजात की मौत हो गई। चलिए आइए जानते हैं आखिरकार क्या है ये पूरा मामला। 500 के नेक से नाखुश स्टाफ ने नहीं की नवजात की देखभाल, नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही से नवजात की मौत। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में सब रखकर किया प्रदर्शन। शैंपू उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ की अनदेखी व लापरवाही के चलते यहां मरीज बेबस बने हुए हैं। यहां कर्मचारियों के इस रवैया के चलते मरीजों को जान गंवानी पड़ती है। आज एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया। यहां तक कि उन्होंने मृतक मासूम के शव को हॉस्पिटल गेट के बाहर जमीन पर रखकर प्रदर्शन किया। मासूम के परिजन लापरवाह नर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। यहां करीब 40 मिनट तक हंगामे का दौर चलता रहा। बाद में डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल व लेबर रूम प्रभारी डॉक्टर शनीश बंसल की समझाइश के बाद परिवारी जन आश्वस्त हुए तथा डॉक्टरों की समझाइश के बाद परिजन मासूम के शव को ले जाने पर राजी हो गए। यह पूरी घटना सीएससी सैपो की है। घटनाक्रम के मुताबिक उपखंड क्षेत्र के गुघरे गांव निवासी पुष्पा पत्नी पुष्पेंद्र ने बीती 23 मई को हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया। तभी नर्स के द्वारा लड़के की मुंह दिखाई की रस्म को लेकर 500 रुपए ले लिए, लेकिन स्टाफ संतुष्ट नहीं हुआ। इसके कुछ समय बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि कई बार कहने के बाद भी स्टाफ ने उनसे मासूम की देखभाल नहीं की तथा उसकी हालत खराब होने पर रेफर भी नहीं किया। करीब 18 घंटे बाद यहां स्टाफ की लापरवाही के ड्रामा से तंग आकर वह अपने मासूम को सैपो के निजी अस्पताल में ले गए। वहां से उसको धौलपुर ले गए, जिसके बाद उन्होंने जेके लॉन जयपुर में भर्ती कराया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी और मासूम ने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत के बाद आज परिजन उसके शव को लेकर सीएससी सैंपू पर पहुंच गए, जहां परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया तथा मृतक के शव को जमीन पर रखकर प्रदर्शन किया और लापरवाह नर्स स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। हॉस्पिटल में मासूम की मौत का यह 7 दिन में दूसरा मामला है। एक दिन पूर्व भी यहां प्रसव के दौरान एक मासूम की मौत हो चुकी है। उस दिन तो ANM आपसी झगड़े में उलझ गई। इस दरमियान लेबर रूम में दर्द से कराहती हुई प्रसूता की देखरेख नहीं की गई और उसने एक मासूम को जन्म दिया, जिसकी देखरेख के अभाव में मौत हो गई। आए दिन यहां कर्मचारियों पर प्रसूताओं से प्रसव कराने की एवज में रुपयों की अवैध वसूली की जाती है। कई बार मामला विभागीय और प्रशासन के सामने भी पहुंच चुका है, लेकिन यहां आज तक जांच के बाद लीपापोती होती रही है। ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से इन कर्मचारियों के हौसले बुलंद बने हुए हैं और आए दिन यहां इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह का रवैया हॉस्पिटल में कब तक चलता रहेगा और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या घटना हुई है? 23 तारीख को डिलीवरी हुई थी 2:50 में। घटना के तुरंत बाद ANM ने शेपन ने 500 रुपए रिश्वत के लिए है। उसके बाद में बच्चा ने 18 घंटे तक इसने किसी ने भी केयर नहीं की है। उसके बाद बच्चे ने न दूध पिया है, न रोया है, ऑक्सीजन के अभाव के कारण न किसी ने रेफर किया है। बच्चे को हम अपनी मर्जी से दिखाने के लिए ले गए थे सैपुर निजी क्लिनिक पर, वहाँ से धौलपुर से सीधे भरतपुर के लिए रेफर कर दिया, भरतपुर से जयपुर के लिए। जयपुर बच्चा 3 दिन उपचार के बाद एक्सपायर हो गया है। इसमें डॉक्टर्स और नर्स और स्वेपर इन तीनों की लापरवाही कारण बच्चा खत्म हो गया है। इसलिए हम श्रीमान जी से हमारा निवेदन है कि हमें न्याय दिलाया जाए। पहले तो इसको हमने डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने बुखार बताया था, इसको पैरासीटामोल लिख के दे दिया। फिर उसने बोला कि डॉक्टर साहब से पूछा कि ये रो क्यों नहीं रहा है, तो बोले डॉक्टर साहब कि हाँ रो जाएगा ये। तो उसके बाद में बुखार की दवा दे दी, उतर गया। फिर उसके बाद में फिर 103 डिग्री इसको फिर आ गया।
फिर हम उसको लेके वहाँ पे गए प्राइवेट से हॉस्पिटल में। वहाँ यहाँ किसी ने देखा था क्या? यहाँ किसी ने नहीं देखा था, यहाँ किसी ने नहीं देखा। फिर हम उसको वहीं पे लेके प्राइवेट में, वहाँ के बाद दो दिन रखा वहाँ पे कोई फायदा नहीं पड़ा। फिर उसको धौलपुर रेफर किया, धौलपुर भी हमने तीन दिन रखा, वहाँ पे भी कोई फायदा नहीं मिला। उसके बाद में भरतपुर लिया नहीं इसको, फिर हम जयपुर लेके गए। अब आप क्या चाहते हो? अब हम क्या चाहते हैं? चाय चाहिए। जनाई डॉक्टर ही नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर बच्चा नेक रोयो ना उल्टो करके नहीं, थप्पड़ से दे तो कहाँ करके नहीं, फिर डांट दो बैठ फलेंगे अपने यहाँ तो रो जाए वो। और ना अपने मन कही हाथ पाँव तो लाई ना रहे, अपने यहाँ तला रहे वो। फिर आपने किसी ने पैसे मांगे? हाँ 500 रुपया मांगे, 500 रुपये का किसी से कहना नहीं, चुप 500 रुपया ले ले, हमने खुशी के मांग दे। फिर बच्चा एक्सपायर कहाँ हुआ है? कर्म कहाँ हुआ है? एक्सपायर जयपुर हुआ है। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, और आज हम बात करें धौलपुर जिले की एक दिव्यांग बेटी की प्रतिभा की, जो कि ना तो ठीक से सुन सकती है और ना ही ठीक से बोल सकती है, लेकिन वह शिक्षक के फोटो से समझती है। इसके बावजूद भी उसने 12वीं की परीक्षा में 77.25% अंक हासिल किए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धौलपुर की प्रियांशी कुलश्रेष्ठ की, जो कि धौलपुर शहर के सनातन स्कूल में पढ़ती है। प्रियांशी के पिता ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ धौलपुर कलेक्ट्रेट में क्लर्क हैं। प्रियांशी बचपन से ही दिव्यांग है, जो कि ना तो सुन सकती है और ना ही ठीक से बोल सकती है। प्रियांशी स्कूल में और ट्यूशन पर शिक्षक के होठों को पढ़कर समझती है, लेकिन इसके बाद भी उसने 12वीं बोर्ड परीक्षा में मैथ साइंस से 77.25% अंक प्राप्त किए हैं, जो कि एक गौरव की बात है। प्रियांशी धौलपुर शहर में जगदीश राय के पास रहती है, जो कि मूल रूप से मुरैना मध्य प्रदेश की रहने वाली है। उल्लेखनीय है कि प्रियांशी कुलश्रेष्ठ ने 10वीं कक्षा में भी 77% अंक प्राप्त किए थे। प्रियांशी से जुड़ा दुखद पहलू यह है कि उसकी मां रानी कुलश्रेष्ठ की बीमारी के कारण करीब 2 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है, जिस कारण उसकी देखभाल पिता ब्रजमोहन और भाई करता है। मेरे 12th रैंक में पास हो गई है, मगर छोटी चावटी चावल कौन पंट पे पचंट है, मैं मुझे घंटे पचंट पढ़ती हूँ, मैं पर की बैंक सिक्योरिटी पढ़ना चाहती हूँ। तिथि मेरे पिता जी का नाम नोचर, मेरे पापा मुझे पढ़ाए, इनकी मेरा इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छा है। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना इलाके में ओडरा रोड पर प्रकाश कॉलेज के पास बीती रात को हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान बदमाशों ने पीड़ित परिवार के लोगों के साथ लाठी डंडों से मारपीट भी की। जानकारी के अनुसार गृह स्वामी लक्ष्मी नारायण शर्मा बाहर मजदूरी का कार्य करता है, इसलिए घर पर महिलाएं और बुजुर्ग पिता थे। रात को करीब 2 बजे बदमाश घर में घुसाए, जिन्होंने परिजनों पर हथियार तान दिए और लाठी डंडों से मारपीट की। इस दौरान बदमाश सोने चांदी के जेवरात, 15,000 रुपए नकदी सहित घर से अन्य सामान लूटकर ले गए। पीड़ित पक्ष ने नियालगंज थाना पुलिस को मामले की रिपोर्ट दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि हम रात में गश्त में ही थे, लेकिन पीड़ित परिवार ने रात को सूचना नहीं दी। सुबह वह थाने पर आए हैं, जिनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ। हम रात को सो रहे थे अंदर, एकदम से आए मेरे भतीजे को बंदूक लगा दी गले, बोले ये कुंडी खुलवा दो वरना इसको मार देंगे। घुसे अंदर, मेरा पहले तो गले में हाथ डाला, इसे खींच दिया कॉलर का, मार दिया। हाँ, क्या हुआ? मैं आंगन में बैठी थी खाट पर। हाँ। सोती आ दवाई। हाँ। एक बहू खटिया पर सो रही थी आंगन में, तो उसमें एक लट्ठा मारा। हाँ। तो पिछके यहाँ बैठा ठीक, फिर दूसरा उसके सिर में। फायरिंग में बाल बाल बचे भाजपा नेता। धौलपुर शहर में बीती रात को भाजपा नेता पर फायरिंग करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें वे बाल बाल बच गए। धौलपुर शहर के सामान्य चिकित्सालय के पास रहने वाले भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष और तत्कालीन धौलपुर नगर पालिका के वाइस चेयरमैन मुश्ताक कुरैशी के घर बीती रात 2 बाइकों पर सवार होकर आए हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जान से मारने की नीयत से की गई फायरिंग में कुरैशी बाल बाल बच गए। बदमाश जाते जाते अपनी एक बाइक को भी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने बाइक को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पूर्व वाइस चेयरमैन का कोटला के जहूरा खान से वर्षों से रंजिश चली आ रही है, जिसके चलते बीती देर रात करीबन 1:30 बजे जहूरा के बेटे के साथ 4 बाइक सवार युवक हथियार लेकर कुरैशी के घर पहुंचे, जहां जिस कमरे में कुरैशी सो रहे थे
उसकी खिड़की से कुरैसी के ऊपर गोली चलाई, जिससे वे बाल बाल बच गए। इसके बाद कुरैसी शोर शराबा करते हुए घर के बाहर आए तो बदमाश एक हवाई फायर करते हुए भाग गए। फायरिंग की आवाज से आसपास जगार हो गई, जिस पर आरोपी अपनी एक बाई मौके पर ही छोड़कर भाग गए। घटना की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित कुरैसी की ओर से मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली थाने में लिखित तहरीर दी गई है। मेरे यहाँ रोजगार कर रहे थे रात को, तो उनसे निपट के 11:30-11:30 बजे करीब पे हम सो गए। घर पर लेट गया था, उस वक्त लाइट चली गई। 12:30 बजे जैसे लाइट चली गई, उसके बाद में जो है लाइट आ गई तो मैं अपने बेड पे सो रहा था। 2-4 आदमी मोटरसाइकिल पे, जमुना का लड़का, अन्य 4 आदमी और 2 मोटरसाइकिलों पे आए, उतर के मेरी खिड़की में से गोली दी इनने, पिस्टल चलाई। पिस्टल चला के वो गोली जो थी, मैंने आवाज़ दी, गोली चल गई होने में चुन करके एकदम इनने बाहर से फिर एक राउंड चलाया। मैं जब तक बाहर आया तो दोनों बम, एक मोटरसाइकिल अपाची लाल कलर की बिना नंबर की वहाँ छोड़ गया, दूसरी गाड़ी में बैठ के मेरे को जानलेवा, पूरी जानलेवा हमला दिया मेरे को। पुरानी को रंजिश चल रही, क्या करा पुरानी रंजिश से साहब, 3 हमले पहले, 2 पहले भी करा चुका है, 2003 में 2004-2010। करीब 1:30 बजे मुस्ताक कुरैसी के घर पर एक अपाची सवार बदमाश द्वारा फायरिंग की गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही जमानतदार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक परिवार के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि थोड़ा सा लालच उन्हें अस्पताल पहुंचा सकता है। हम यहां पैसे के लालच की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं खाने के लालच की। जी हां, हम बात कर रहे हैं धौलपुर जिले के मनिया कस्बे की, जहां एक परिवार के 2 लोगों ने रात की बची हुई सब्जी सुबह खा ली, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराना पड़ा। जानकारी के अनुसार सीमा पत्नी संजय और कृष्णा पुत्री पप्पू की तबीयत बासी सब्जी खाने से बिगड़ी है। जाहिर सी बात है कि इन दिनों गर्मी अपने पूरे चरम पर है और खाने पीने में थोड़ी सी लापरवाही आपको अस्पताल पहुंचा सकती है। आपका अपने धौलपुर जिले का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक आपसे अपील करता है कि इस भीषण गर्मी में आप ताज़ा और स्वच्छ खाना खाएं तथा स्वस्थ रहें। जिले के मनिया कस्बे में रविवार को शाम 4 बजे से भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ब्राह्मण समाज मनिया के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बताया कि शोभा यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे लेकर आए समाज के बंधुओं की बैठक की गई, जिसमें सारी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। ब्राह्मण समाज मनिया के लोगों ने जिले भर के विप्र बंधुओं से शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की। जय भगवान परशुराम जी। मैं उमाशंकर डंडोतिया, मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता ब्राह्मण समाज मनिया की तरफ से आप लोगों से अपील करता हूं, जितने भी ब्राह्मण बंधु हैं, ब्राह्मण समाज से जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, सभी इस शोभा यात्रा में पधारें। मनिया में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी दिनांक 2/6/2019 है, रविवार को ये आयोजन किया जाएगा। आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि इस भव्य शोभा यात्रा में पधार कर हम जैसे नवयुवा बालकों को अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए हमें अपना आशीर्वाद दें, जिससे हम समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए कुछ कर सकें। हमारे दिलों में बहुत सारी तमन्ना है कि समाज को ऊंचाइयों तक ले जाएं। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जरूर ले जाएंगे। भगवान परशुराम की जय। राम भगवान की। उपाध्यक्ष, मैं मनिया ब्राह्मण समाज उपाध्यक्ष दिलीप कौशिक सभी मित्रगण ब्राह्मण बंधुओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, 2 जून मनिया में शोभा यात्रा का आयोजन है। सभी ब्राह्मण बंधु अपने सादर आमंत्रित हैं और पधार हैं, इसलिए शोभा यात्रा को भव्य शोभा यात्रा बनाया जाए। राम की। मैं माधव प्रसाद तिवारी मनिया, वरिष्ठ युवा उपाध्यक्ष ब्राह्मण महासभा मनिया। मैं धौलपुर जिले के समस्त ब्राह्मणों से अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर मनिया में परशुराम जयंती की शोभा बढ़ाएं, जो कि 2 जून 2019 को दिन रविवार को गोविंद बगीची से 4 बजे शुरुआत होके उस वहीं मेन बाजार में होते हुए और समापन होगा गोविंद बगीची पर ही। जय भगवान परशुराम की। धन्यवाद।
महामंत्री ब्राह्मण समाज मनिया सभी विप्र बंधुओं से निवेदन करता हूं कि कल 2 जून 2019 रविवार को भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सभी विप्र बंधु जोश के साथ पधारे। जय परशुराम। भगवान की जय। मैं मुकेश कुमार शर्मा पीटीआई मनिया ब्राह्मण समाज से की तरफ से अपील करता हूं 2 जून रविवार शाम 5 बजे गोविंद बगीची थाने के पास सभी ब्राह्मण बंधु पधारने का श्रम करें। शोभा बढ़ाए। जय परशुराम भगवान। मैं श्याम सुंदर शर्मा थैरगुड़िया खारके बुरावाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनिया लोक ब्राह्मण सभा मनिया। मेरी सभी कर्म जिले के ब्राह्मण बंधुओं से विनम्र अपील है कि वो शाम 4 बजे 2 जून 2019 दिन रविवार थाने के पीछे गोविंद बगीची में पधार कर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाए और हमको मार्गदर्शन प्रदान करें। स्वामी भगवान की। मैं मनोज तिवारी मनिया ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सभी विप्र बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कल रविवार शाम को 4 बजे मनिया में भव्य शोभा यात्रा परशुराम भगवान की आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या पधार कर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाए एवं अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय भगवान परशुराम। जिले के मनिया थाना इलाके के गांव खिल्ली में आपसी कहा सुनी को लेकर एक महिला ने विषाक्त का सेवन कर लिया, जिससे वह अचेत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक खिल्ली गांव की रहने वाली महिला प्रीति का किसी बात को लेकर आज अपनी सास से विवाद हो गया। विवाद के चलते प्रीति ने घर में रखे विषाक्त का सेवन कर लिया और अचेत हो गई, जिसकी हालत बिगड़ने पर परिजन जिला चिकित्सालय धौलपुर लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने महिला का उपचार शुरू कर दिया। फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं डॉक्टरों की ओर से मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। क्या खाया था इसे प्रीति ने? क्यों? पता नहीं, मेरे काम से आया ना। कोई झगड़ा हुआ था यार? सास बहू में झगड़ा हुआ था कोई? हाँ पता ना, सास बहू में ही। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बैठक का आयोजन शारदे विद्यापीठ स्कूल गौशाला धौलपुर में किया गया, जिसमें कल मनिया में ब्राह्मण समाज द्वारा शाम 4:30 बजे से निकाली जा रही परशुराम शोभा यात्रा को लेकर चर्चा की गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ मनिया पुलिस थाने के पीछे मंदिर से होगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधिक से अधिक ब्राह्मण महिला एवं पुरुष शोभा यात्रा में पहुंचे और यात्रा को सफल बनाए। सर्व समाज से भी निवेदन है वह भी अधिक से अधिक संख्या में यात्रा में पहुंचे। बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष धनीराम शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम सर्व समाज के पूज्य हैं, इसलिए सर्व समाज के लोग मनिया में पहुंचकर यात्रा को सफल बनाएं। वैसे तो तीर्थराज मचकुंड अपने आप में काफी सुंदर, अद्भुत और धार्मिक एकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अब बत्तख तीर्थराज मचकुंड सरोवर की शोभा में 4 चांद लगाएंगी। जानकारी के अनुसार डॉक्टर मंगल सिंह सामान्य चिकित्सालय धौलपुर के डॉक्टर रामविलास गुर्जर ने बत्तख पाल रखी है। डॉक्टर गुर्जर आए दिन तीर्थराज मचकुंड पर दर्शन करने और घूमने जाते हैं, जहां पर सरोवर में अब फुब्बारे भी लग चुके हैं, इससे सरोवर की सुंदरता तो बड़ी है। इसे देखकर डॉक्टर रामविलास के मन में मचकुंड की सुंदरता में और 4 चांद लगाने का ख्याल आया। इसे लेकर आज सुबह डॉक्टर गुर्जर स्वयं अपनी कार से 16 बत्तख को लेकर तीर्थराज मचकुंड पर गए, जहाँ पर उन्होंने सभी बत्तख को सरोवर में छोड़ दिया। अब ये बत्तख सरोवर की शोभा बढ़ाएंगे। आपके अपने इलाके के गांव ध्वजपुरा के सबसे बेहतर परीक्षा परिणाम और सुविधाओं से युक्त स्कूल नितिन शिक्षा समिति में प्रवेश प्रारंभ। शीघ्र प्रवेश लें। विद्यालय में नर्सरी से कक्षाएं प्रारंभ। अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य। विद्यालय में सभी भौतिक सुख सुविधाएं और बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध। बच्चों के लिए खेल मैदान और कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की सुविधा। संपर्क करें 99 29 41 59 89।
97 85 34 63 93 87 40 85 0 0 95। बीमार भाभी को दिखाने के लिए बाइक से धौलपुर आ रहे एक युवक को रास्ते में अधिक गर्मी के कारण चक्कर आ गए, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। इस कारण देवर भाभी दोनों घायल हो गए। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय पूरन देवी पत्नी रामविलास निवासी कल्याणपुर बाड़ी की तबीयत खराब थी, जिसे शनिवार दोपहर उसका देवर जितेंद्र पुत्र प्रीतम सिंह कुशवा दिखाने के लिए बाइक से धौलपुर ला रहा था। रास्ते में NH-11B पर निवी के ताल के पास अचानक जितेंद्र को तेज गर्मी के कारण चक्कर आ गए, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। बाइक गिरने से देवर भाभी दोनों घायल हो गए, जिन्हें रास्ते में गुजर रहे मनिया क्षेत्र के मांगरौ गांव निवासी शिवम शर्मा ने अपनी बोलेरो से इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती एक मरीज को एक पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता हुई, लेकिन ब्लड बैंक में उपलब्ध न होने के कारण मरीज को ब्लड नहीं मिल सका। इस मामले की सूचना मिलने पर अग्रोहा फ्रेंड्स क्लब के सदस्य कमल किशोर बंसल ने रात्रि 10 बजे अपने मित्र पीयूष गोयल से बात कर उनके घर से अनुमति लेकर ब्लड बैंक पहुंचाया और पीयूष गोयल का रक्तदान करवाकर मरीज को दिलवाया। ये रक्त आरएसी के सेवानिवृत्त जवान रूप सिंह के पुत्र को उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान संजय सिंह एवं आरबी पैलेस के संचालक हीरो भी मौजूद रहे। मरीज के परिजनों ने पीयूष गोयल और रक्तवीर कमल किशोर बंसल का आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि 25 दिन पहले कमल किशोर बंसल ने भी रक्तदान कर एक महिला की जान बचाई थी। शिरनी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पर सवाली आदि भक्ति में गीतों से समूचा वातावरण साईं में हो गया। श्री साईं बाबा कल्याण समिति एवं श्री साईं सेवा समिति द्वारा धूलकोट रोड स्थित साईं मंदिर स्थापना पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शुक्रवार को दूसरे दिन का शुभारंभ कांकड़ आरती से हुआ, जो देर रात्रि शयन आरती के साथ महोत्सव का समापन हुआ। धूलकोट स्थित साईं मंदिर काल सुबह पुजारियों द्वारा कांकड़ आरती की गई। शुक्रवार सुबह से ही साईं मंदिर पर भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। इसके पश्चात साईं बाबा मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक दही एवं शहद के साथ किया गया और श्रृंगार भी किया गया। इसके पश्चात पुजारी राजेंद्र जिंदल, प्रदीप शर्मा एवं सुशील ने मंत्रोच्चारणों के साथ विशेष पूजा अर्चना की और साथ ही साईं चरित्र का पाठ भी किया और दिन भर हवन यज्ञ किए गए एवं महिलाओं ने भजन कीर्तन किए, जिसके पश्चात जिससे मंदिर परिसर मंत्रोच्चारण की ध्वनि से साईं में हो गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में साईं भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया, जिन्होंने आरती में भाग लिया। महोत्सव के दौरान विश्व शांति के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान स्वच्छ भारत जल बचाओ योजनाओं का प्रसार भी किया गया और भक्तों से जल बचाने और साथ ही शहर को स्वच्छ रखने की अपील की गई। दोपहर में प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान धूलकोट रोड एवं मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। साईं मंदिर परिसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं को आना शुरू हो गया था। दो दिवसीय साईं महोत्सव का आयोजन साईं मंदिर धूलकोट रोड पर किया जा रहा है, जिसमें साईं बाबा की स्थापना को लेकर के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसकी खास बात यह है कि इस आयोजन के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के लिए अपने शहर को स्वच्छ रखने के भी संदेश श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। बाड़ी की मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में एक निशुल्क परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन बाड़ी के A1 पैलेस गुमट बाड़ी पर 2 मई रविवार को किया जाएगा, जिसमें सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर के सह आचार्य डॉक्टर रामकेश सिंह परमार एवं उनकी टीम के द्वारा डायबिटीज, थायराइड, हृदय रोग, श्वास रोग, मोटापा, पेट, लीवर, किडनी आदि रोगों का निःशुल्क परामर्श एवं जांच की जाएगी। शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे लगेगा। शिविर में आने वाले लोग अपनी सभी पुरानी जाँच साथ में लेकर आए। कल बाड़ी में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी बाड़ी की तरफ से विशाल निशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें SMS के प्रोफेसर डॉक्टर रामकेश सिंह परमार अपनी निशुल्क सेवाएं देंगे और साथ ही मरीजों की निशुल्क जांचें भी की जाएंगी, जिनमें डायबिटीज़,
स्पायरोमीटर द्वारा फेफड़ों की जांच, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन आदि जांचें पूरी तरह से निःशुल्क की जाएंगी एवं निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि अधिकाधिक संख्या में इस कैंप का लाभ उठाएं। भीषण गर्मी में जहां लोग घरों से निकलने से भी परहेज कर रहे हैं, वहीं इस चिलचिलाती धूप में अपने उद्देश्य को लेकर एक युवक साइकिल यात्रा पर निकला है। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले के एक गांव का रहने वाला यह शख्स लगभग 7000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का उद्देश्य लेकर 11 फरवरी 2019 को अपने घर से निकला था, जो देश के लगभग 14 राज्यों को कवर करता हुआ आज धौलपुर पहुंचा। रेवाड़ी के रहने वाले युवक चंद्र प्रकाश यादव का कहना है कि उसकी इस यात्रा के पीछे लोगों में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता लाना, पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनके लिए वो लोगों को जागरूक कर रहा है। चंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि उसकी यह यात्रा 11 फरवरी को अपने गांव से शुरू हुई थी, तब से वह लगातार साइकिल से जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। धौलपुर पहुंचने तक उसकी यह यात्रा 6800 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। यादव ने बताया कि 200 किलोमीटर के बाद वह जल्द दिल्ली पहुंच जाएगा, जहां उसका सपना है कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और अपने इन उद्देश्यों को लेकर अपने विचार प्रधानमंत्री के समक्ष रखे। पेशे से छात्र चंद्र प्रकाश यादव की इस पहल पर धौलपुर में लोगों ने जमकर तारीफ की है। मेरा नाम चंद्र प्रकाश यादव है, मैं गांव निवासी जिला रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला हूं। मैंने अपने हरियाणा से 11 फरवरी को जिला रेवाड़ी से भारत यात्रा स्टार्ट की और जो कि मैं अब 14 राज्यों में लगभग 6800 किलोमीटर साइकिल भारत यात्रा कर चुका हूँ और मेरी भारत यात्रा का उद्देश्य एकता, शांति और भाईचारा है। मैं लोगों को नशा मुक्ति के बारे में जागरूक कर रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जागरूक कर रहा हूँ, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा देश नशा मुक्त हो, लोग और आपस में नशा प्यार से रहें और नशा ना करें कोई भी, और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और मेरा जो उद्देश्य मेन विजन ये है कि हमारा युवा वर्ग जो है वो मतलब कि जो नशे में भटक रहे हैं युवा, वो नशे से दूर रहें और देश को एक अच्छा संदेश दें। देश के लोगों को अच्छा संदेश देने के लिए मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि देश में बदलाव युवा ही ला सकते हैं, सारी जो शक्ति है वो युवाओं के अंदर है। मेरा सभी युवाओं से कहना है ऑल पावर। एवियन कॉन्वेंट स्कूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2002 which is a leading brand in the field of education and spread over 2 acres of land in the heart of the city, which not provides education but also act as a mold to shape the brilliant future of children. AVM Convent School affiliated to CBSE Delhi. Admission open for classes playgroup to class 12th. Affordable fee structure. Teaching by qualified and experienced faculty. Limited students per class. Well-equipped computer lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, maths lab, social science lab and audio-visual room, including activity room and big playground and big auditorium. Arts, music, dance, yoga and karate activities to enhance the creativity of child. Fully CCTV equipped classrooms and campus air-conditioned building. Special attention to average and weak students. Transport facilities available from all nearby area of Dholpur district. So hurry up, admission open, grab the opportunity. Limited seats are left, make your child special. Address: AVM Convent School, Ghantagar Road, Dholpur. बाड़ी शहर के कीरी मोहल्ले में बीती रात अज्ञात कारणों से एक बुलेरो गाड़ी में आग लग गई, जिसके कारण गाड़ी जलकर नष्ट हो गई। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के मौके पर नहीं पहुंचने की खबर है, जिस पर पीड़ित परिवार में आक्रोश देखा गया। पीड़ित नीरज गौड़ निवासी कीरी मोहल्ला बाड़ी ने बताया कि अज्ञात कारणों से रात 1 बजे उसके छप्पर पोश में रखी बुलेरो गाड़ी आग की चपेट में आ गई। मोहल्ले वासियों और पीड़ित परिवार को जब तक आग का पता चला तब तक गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। बताइए आग कैसे लग गई, किन कारणों से लग गई, कितने बजे की घटना? आज रात्रि तकरीबन 1:30 बजे की बात है। करीब 11:30 बजे तक लाइट की
आवाजाही बनी रही तो हम सो नहीं पाए। करीब 12 बजे हम अंदर घर में गए और सोए, तो हमें पता लगा कि 1:30 बजे करीब लोगों ने, पड़ोसियों ने हमारे गेट खटखटाए और हम बाहर निकले तो हमें पता लगा कि हमारी गाड़ी में और छप्पर में आग लगी हुई है बहुत तेजी से। अब भगवान जाने किस कारणों से, किसी अज्ञात कारणों से गाड़ी के ऊपर छप्पर भी डला हुआ था। छप्पर डला हुआ था, छप्पर में और गाड़ी में आग लग रही थी बहुत तेजी से। इसमें कितना नुकसान हो गया होगा? गाड़ी में तकरीबन 3 लाख रुपए का नुकसान है और कॉलोनी वासियों की मदद से हम सब लोगों ने मिलकर आग पर काबू। शनिवार के दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपोपर मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक का आयोजन CMHO डॉक्टर गोपाल गोयल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में सदस्यों के द्वारा हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। पूर्व उप सरपंच व MRS के सदस्य सुरेश तिवारी के द्वारा हॉस्पिटल के बाड़ों में भीषण गर्मी को देखते हुए कूलर व पंखा का उचित प्रबंध करने की बात कही, जिसको लेकर CMHO डॉक्टर गोपाल गोयल ने हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए नाराजगी जाहिर की तथा चिकित्सा प्रभारी को 1 सप्ताह में सारी व्यवस्थाएं सुधारने का समय दिया है। बैठक के बाद CMHO के द्वारा हॉस्पिटल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाड़, लेबर रूम, दवा स्टोर, दवा वितरण केंद्र सहित पर्चा काउंटर का जायजा लिया। हॉस्पिटल के लेबर रूम के बाहर गंदगी देखकर CMHO ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान मौजूद समिति के सदस्यों ने 1 दिन पूर्व 2 नर्सों के बीच हुए झगड़े में एक नर्स के द्वारा दूसरी नर्स के साथ मारपीट करने की बात को CMHO के समक्ष रखा, जिसको CMHO ने गंभीरता से लिया। उन्होंने पीड़ित नर्स रेचल अम्बा PG से पूछताछ की तथा शीघ्र ही दोषी नर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के परिंडे लगाओ अभियान को गति देते हुए आज राजाखेड़ा में SDM पंचायत समिति, पशु चिकित्सालय, ब्लॉक शिक्षा व अन्य कार्यालयों में 90 परिंडे बांधे गए। संगठन के राजाखेड़ा के ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार मुदगल ने परिंडे लगाओ अभियान के शुभारंभ के दौरान कहा कि पक्षियों की देखभाल एवं जीवन रक्षा के प्रत्येक कर्मचारी को आगे आकर अपने अपने कार्यालयों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, अपने घरों पर परिंडे लगाने चाहिए। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष छत्रपाल सिंह, राजकुमार मुदगल, चरण सिंह, बचन सिंह, मुरारी लाल, सत्य प्रकाश ठाकुर आदि लोग मौजूद रहे। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं शार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, थौलपुर, डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई, MD शल्य तंत्र। मोबाइल नंबर 7000025053 9165741677। खबरों फिलहाल इतना ही और कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। देखते रहिए फर्स्ट ट्रैक। नमस्कार। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर में खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें धौलपुर संदीप शर्मा, राहुल शर्मा, सेपहू प्रदीप शर्मा, रजनीकांत शर्मा, बसेरी अंकित गर्ग, राजा खेड़ा मोहित शुक्ला उर्फ मल्टी भैया, बाड़ी मलिक इमरान खान, अनिल वर्मा, बसई नवाज, रिंकू गुधेनिया, तसीमो, विवेक मित्तल, मरेना, अनिल सक्सेना। चैनल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें एवं शिकायत करें। राधा बल्लभ शर्मा, धीरेंद्र धाकरे। धन्यवाद।